राजधानी दिल्ली में धनतेरस के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह धनतेरस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में करतार नगर इलाके के समुदाय भवन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में कोरोना काल में मारे गए व्यक्तियों और सरहदों पर हमारे शहीद हुए जवानों की याद में 1008 दिए जलाए गए। यह दिए क्षेत्र के लोगों के द्वारा जलाए गए और शहीद लोगों को याद भी किया गया। उनकी याद में एक पेड़ भी लगाया गया जिस पर उन शहीदों के नाम अंकित किए गए ताकि उनको दीपावली के मौके पर याद किया जा सके। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। संदेश सिर्फ यही देना चाहता हूँ, हमारा पूरा वार्ड वार्ड की जनता, कि दिवाली जो है प्रभु राम के वापसी लौटने पर मनाई जाती है। जो खुशियाँ लोगों के बीच में है प्रभु राम के वापसी लौटने के कारण, जो कष्ट और जो बीमारियों के कारण कोरोना महामारी हमारे बीच में, बहुत से घरों के चिराग बुझ गए, हमारे बहुत से सैनिक जो सरहदों पर हमारे लिए शहीद हो गए, सिर्फ उन्हीं के परिवार को टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ रिस्पेक्ट के लिए जो है हम लोगों ने 1008 दिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने जलाए गए। और उद्देश्य है कि प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसार कर, जिस प्रकार उन्होंने जो है हर वर्ग को सम्मान दिया, द्वेष भावना से बहुत दूर रहे, जो भी उनके आदर्श रहे उनको अपने जीवन में समावेश करना है। और यही एक दिवाली पे सच्चा देशभक्त होने का तो एक यही मैसेज देना होगा कि प्रभु राम के आदर्शों को फॉलो करें। स्वागत है, मैं सभी ब्रह्मपुरी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, पूरे भारतवर्ष को देना चाहती हूँ, एक एक जन को देना चाहती हूँ। आज टीम आपका गौरव और गौरव शर्मा जी का विशेषकर 1008 दिए जलाने का ही मकसद था, क्योंकि जो हमारे सरहद पे खड़े हैं जिसके कारण आज हमारे एक एक घर में दिया जल रहा है, दीपावली जल रही है, हम उनको याद करते हैं कि कल को ये ना हो कि हम अपनी खुशियों में मग्न हो जाए लेकिन उनको कोई याद नहीं करते। उनकी खुशी में, उनके उपलक्ष में हमने दिए जलाए और जो दुर्भाग्यवश जो हमारे शहीद हुए हैं, सरहद पर हुए हैं, किसी भी दुर्घटना में हुए हैं और कोरोना जैसी महामारी में हुए हैं, उनके घर के नाम पर हमने एक एक दिया जलाया है ताकि हम ये संदेश दे सकें कि हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। टीम आपका गौरव, गौरव शर्मा जी उनके साथ हमेशा खड़ी है, क्योंकि देखिए दीपावली जैसा त्यौहार हमारे घर में यही मनाया जाता है, जब एक ही घर में खुशी होती है तभी उस धर्म का औचित्य होता है। अदरवाइज अगर एक भी घर दुखी है, एक भी घर पीड़ित है, तो मैं नहीं समझती कि दीपावली बनाने का हमारा कोई औचित्य रह जाता है। जब पूरा भारत वर्ष खुश होगा तब हम उस दीपावली को मनाएंगे। सबसे बड़ी हमारी इच्छा थी, हमारा एक हमने बीड़ा उठाया कि आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कल धीरे धीरे हम सब पूरे अपने घोंडा विधानसभा में एक प्रोग्राम ये सोच कर। मैम, एक इस प्रोग्राम में खास बात ये रही कि ये जो प्रोग्राम है क्षेत्र के लोगों ने दिए जलाए और दूसरा एक पेड़ भी लगाया गया था, वो क्या उद्देश्य है उसका? जी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमने एक एक घर से जाकर उन्हें सजग किया कि ये दीपावली हमारे जो कोरोना में दुर्भाग्य से हमारे जो अपने बिछड़ गए, क्योंकि जो सेकंड लहर आई थी हम सबको पता है हर घर से कोई ना कोई गया, उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। उनको याद करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक टाइम तो है, क्योंकि हम लोग अब इतने व्यस्त हैं कि हम उनके नाम पर एक कलेक्शन किया हमने कि हम एक ही घर में दिया जाकर देंगे, जिससे उन्हें याद दिलाएंगे कि ये दीपावली खुशियों भरी तो है बट यादगार भी होनी चाहिए कि हमने उन्हें याद किया, जो हमारे शहीद है, जो सरहद पे खड़े हमारे सैनिक हैं, उनके बिना दिवाली नहीं मन सकती। तो हमने सभी परिवारों को सचेत करने की कोशिश की कि एक्चुअल में दीपावली ऐसी होनी चाहिए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे,
सर्पंतोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211-47-8312, 9211-41-83-12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।